नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार। अभी मैं मौजूद हूं हरसिद्धि में। हरसिद्धि में एक स्टूडियो है, सचिन स्टूडियो, उसी में मौजूद हैं। और मेरे साथ अभी एक गायकर हैं जिनका नाम है साहिल राजा, इनसे आज बात करेंगे और कुछ बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्त, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए भाई, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, राम सलाम। हम भोजपुरी गायक साहिल राजा, आप देख रहे हैं माध्यम से हमें, और जितने भी लोग बाद में देखेंगे उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम है। सबसे पहले ये बतलाइए, आप गायक 2017 में स्टार्टिंग किए सर। आपका गुरु कोई था? गुरु गायकी नहीं करते थे तब से अभी तक ले, पावर स्टार पवन सिंह जी को मानते हैं। अच्छा, उन्हीं को मतलब देखकर आप गाना गाना चालू कर दिए? जी जी। कब से चालू किए थे गाना गाना? 2017 के फरवरी से। अच्छा जी। सबसे पहला गाना आपका कौन था? सबसे पहला होली से स्टार्टिंग किया हम। अच्छा। गाना था फागुन में रानी फागुन में होली होई हो मोतिहारी टाउन में होली मनी हो मोतिहारी टाउन में, यही गाना था। ये साहिल राजा हैं। और आप ये बतलाइए, आपका जब यूट्यूब में सर्च किया जा रहा है साहिल राजा, शायद ऑफिशियल कुछ है चैनल आपका, उसमें केवल मुसलमान लोगों पे गाना गाया गया है, वही दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? देखिए, वो सब गाना तो मेरा साल भर के करीब से आ रहा है। अच्छा। लेकिन हम 6-6.5 साल से गाना गा रहे हैं। अच्छा। तो समझिए, उसके बीच बहुत ही मेहनत करके बहुत साफ सुथरा गाना गाया, किसी को भी रिस्पांस नहीं मिला। तो ऐसा नहीं सिर्फ अपने कास्ट में, जितने भी कास्ट के लोग मुझे ऑर्डर देते हैं, एडवाइज करते हैं कि आप ऐसा गाना गाइए रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सीधी सी बात है, कलाकार प्यार को भूखा होता है, गा देते हैं ताकि रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। आपका नाम साहिल राजा है जी, आप भी एक मुसलमान हैं और सारे के सारे गाना वहाँ पर सर्च करने पर केवल मुसलमान लोगों पे ही आ रहा है, जैसे मुसलमान जी के चाय पिलाए का ऐसा ही कोई गाना है, एक और है गोली मारिए मुसलमान जी सर, चाय वाला कौन गाना है आपका? चाय वाला गाना है कि सीधी सी बात है, लड़का बोलता है गुड मॉर्निंग गुलाब जानू मिलके तुम्हारा साथ में कफ लेके हाथ में चाय पी लो तू मियां जी के साथ में। अच्छा, इस गाना का मतलब क्या हुआ? बस चाय पीना है और साथ में, ऐसे इसका मतलब कुछ नहीं, यही है जो गुड मॉर्निंग वाला जी, गुड मॉर्निंग के साथ में चाय, मॉर्निंग में चाय पीना है साथ में बस। आई गोली मारने वाला कौन था? गोली मारने वाला मेरा ऐसा कोई गाना नहीं है कि दूसरे कास्ट को मतलब दुख पहुंचा दे। हम भी थोड़ा बहुत सुनते हैं कि हम लोग का संविधान में है कि अपने कास्ट का बुराई कीजिए लेकिन दूसरे कास्ट का बुराई मत कीजिए जी। तो यही सपोर्ट में गा दी है लेकिन दूसरे कास्ट के विरोध में नहीं गाए। गोली मारने वाला मेरा मोतिहारी जिला पे है, रंगदारी टाइप का। कौन सा गाना है? पावा दे दिखाई बिहारी वाला रे, पावा दे दिखाई बिहारी वाला रे, मारा दी है गोली मोतिहारी वाला रे, ऐसे गाना है। ये बहुत ही गाना अधिक गाए हुए हैं, 2017 से गाना गाते हैं और पवन सिंह खुद इनका गुरु है, उन्हीं का गुरु मान के ये गाना चालू किए। पवन सिंह का कोई गाना जो आपको अच्छा लगता हो वो गाइएगा? जी बिल्कुल, उनका गाना तो सब अच्छा लगता है, लेकिन साइड सॉन्ग कोई गाना उनका? साइड सॉन्ग बहुत है, कोई एक गाइएगा। मन सपना है के महल बनावे अब दुनिया ही ढेला चलावे, जिंदगीया के खेला समझे में नया वे। और कोई उनका गाना साइड सॉन्ग जो हमको भी बहुत अच्छा लगता है उनका गाना, इसलिए बोल रहे हैं आपको गाने के लिए, और कोई साइड सॉन्ग हो गाइएगा? गाना बहुत है, प्रीतिया औरी कितना सताई, बहुत गाना है, जैसे कि सगरो धुआ धुआ उठल आज लगी में मर रही से जान बिन बेजान भैनी जी बोल कैसे तू बताव ना समझाव ना। ये साहिल राजा हैं और ये एक मुसलमान हैं और इनका गुरु पवन सिंह, यानी कि पवन सिंह एक हिंदू हैं, तो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करते हैं, ये जात पात पे गाना नहीं गाते हैं, हालांकि जिस गाना का मान होता है वो गाना ये गाते हैं। और गायकर का काम ही है जिस गाना का अगर फील्ड में मान हो वही गाना भी गाना चाहिए, क्योंकि उसी गाना का आगे लोग बढ़ावा देते हैं और देखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अश्लील अभी फैलते जा रहा है, लेकिन कहने के लिए केवल दूसरे का मुंह पे कहते हैं और सुनने के लिए भोजपुरी ही गाना सुनते हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा आप अश्लील लोग गाना पे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी हम लोग का मातृभाषा है,
बिहार से जितने भी लोग इस न्यूज को देखेंगे और जितने भी लोग भोजपुरी सुनते हैं उन लोग को ये बता दें कि भोजपुरी एक बहुत ही मिठास भाषा है और इसमें अश्लील होता है लेकिन कुछ कुछ होता है उसको सबसे तुलना मत कीजिए और डबल मीनिंग होता है और जैसे नजरिया से जिस नजरिए से उसको देखिएगा सुनिएगा वैसे साबित होगा। वो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं खेसारी लाल के फैन, दिनेश लाल यादव के फैन, पवन सिंह के फैन, बहुत सारे ऐसे इन लोगों के फैन होते हैं जो कहते हैं पवन सिंह बहुत अच्छे गाते हैं लेकिन उनका नजरिया कहीं ना कहीं गलत होता है, इसमें क्या कहिएगा क्योंकि आप उनको गुरु मानते हैं। जी हम पवन सिंह जी को गुरु मानते हैं लेकिन सबको सुनते हैं लेकिन एक दिल में आवाज बैठता है ना तो सिर्फ पवन सिंह का। रही बात उनको गलत बोलने का तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ उनके गायकी से मतलब रख सकते हैं, उनके फैमिली में क्या चल रहा है उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। तो वो लोग जो फैमिली के बारे में सोचता है तो उनका फैमिली में थोड़ा गड़बड़ है ये सब टाइम नहीं देने के कारण। तो बस अभी सावन का महीना चल रहा है जी, अगला सावन में कोई गाना गाए होंगे या इस सावन में कोई गाना गाए होंगे अभी तक? जी पिछले सावन में गाए थे केहू के ना बम चली सहनी जी के बम चली, ऐसे ही गाना है। और इस सावन में मेरा बोलबम का रिकॉर्डिंग हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन गाना है, नया धुन है, नया मेटर है, नया म्यूजिक है और रिकॉर्डिंग हो गया, मिक्सिंग नहीं हुआ है, बहुत जल्द एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। वो कौन सा चैनल पे आएगा? वो साहिल राजा ऑफिशियल, सुहाग रिकॉर्ड्स, आलिया फिल्म्स पे, तीनों चैनल पे आ सकता है। ये साहिल राजा थे, इनका बहुत ही सारा गाना वायरल भी हुआ है और यूट्यूब पे इनका चैनल का नाम है साहिल राजा ऑफिशियल, उसको जाकर आप सर्च कीजिए।